ऊपर से व्यू कुछ इस तरह दिखता है इस मकान का। ये बड़कोट में नया मकान बन रहा है और ये नई टेक्निक से मकान बना है। ये मैं भी आपको अंदर दिखाता हूँ। इस पे कंक्रीट, सीमेंट, रेता, बजरी कुछ भी यूज नहीं हुआ है। और ये इसके जो बिल्डर है, इसके जो बनाने वाले हैं, इंजीनियर हैं, ये स्पेशल देहरादून से आए हुए हैं। वाकई में ये जो बाहर है, ये बाहर शीट है, चादर से कह सकते हैं, स्टील की शीट है। और उसके बाद इन्होंने इसके बीच में, खैर ये तो लोहे की अभी सीढ़ियाँ हैं, ये अंदर चलता हूँ। ये नीचे ये लोहे की शीट है नीचे बिछा रखी उन्होंने यहाँ पे, बढ़िया। और ये खैर तो लोहे का दरवाज़ा है। ये शीट है, ये लाइनर है, लाइनर से कहते हैं, लाइनर शीट है ये। ये चारों तरफ लगी हुई है, छत भी इसी तरह लाइनर लगी हुई है, ठंडा है बिल्कुल। ये शायद इनका वॉशरूम बना रखा है उन्होंने यहाँ पे, बन रहा है अभी तो, ये बन रहा है। और ये शायद स्टोर रूम है। वाकई में बहुत ये जो टेक्निक है ये मुझे बहुत पसंद आई है। मतलब एक तो जल्दी भी बन जाएगा, पानी भी नहीं खर्च होगा इस पर, बस ये है कि बिजली खर्च होगी। अभी ऊपर चलता हूँ। ये इन्होंने लोहे की सीढ़ी यहाँ पे, ये भी सीढ़ी तुमने यहीं बनाई या वहीं से बना के लाए हो? यहीं बनाई है। ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ, यहाँ पे ये चादर लगा रखी है और एक रूम इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। ये अभी तो खैर ये जो लेबर है देहरादून से आई है, तो इनके बिस्तर यहाँ पे लगे हुए हैं और सेम सीट यहाँ पे लगा रखी है। ऊपर छत पे भी वही सीट लगा रखी है। और वाकई में ये काम मुझे पसंद आया है, क्योंकि इसमें एक तो टाइम नहीं लगता है, इसमें पानी खर्च नहीं होता है, इसमें सीमेंट, बजरी, रेता कुछ नहीं, बस लोहे का, और लोहे मोस्टली लोहे का काम है। ये बहुत बढ़िया है और लुक भी बहुत अच्छी है इस मकान की। ये सामने बड़कोट गांव है और ये जो मकान बना है ये बिल्कुल टॉप में बना है। अभी इसके जो मकान मालिक है इनसे भी मिलने की कोशिश करूंगा मैं। बालकनी टाइप की है, बहुत अच्छा, वाकई में बहुत अच्छा काम है ये। यहाँ से फिर ये नीचे, इधर तो खैर खेत, बंजर खेत हैं। और ये जो लेबर हैं देहरादून से आए हैं लोग, यही अभी काम कर रहे हैं इस पर अब। और लुक भी बहुत अच्छा है इसका मकान का। और ये जो इसकी बीम है ये लोहे की है, लोहे के एंगल गार्ड से कहते हैं, ये लोहे है, लोहा पहले है। क्या चैनल? टी चैनल, अच्छा सी चैनल बोलते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे पहले कंक्रीट से, ये लोहे पे खड़ा है ये पूरा मकान, सी चैनल बोलते हैं इसको। नीचे भी अगर कोई सामान रखना हो तो नीचे भी रख सकते हैं। काम बहुत अच्छा हो रहा है, नो डाउट। ये लोग का देहरादून से आए हो ना? अब ये बताओ जो आपने इसमें मटेरियल यूज किया है, क्या क्या मटेरियल यूज है इसमें? इसमें लाइनर है की, हाँ, लोहे की थर्मोकोल है, हाँ, जिप्सम बोर्ड लग रही है अंदर, जिप्सम बोर्ड अंदर, अच्छा वो जिप्सम है अंदर, और जिप्सम और ये लाइनर के बीच में आपने थर्मोकोल डाला हुआ ताकि मतलब गर्मी से है ना गर्म ना हो, सर्दियों में ठंडा रहेगा, सर्दियों में तो गर्म रहेगा, हाँ, और गर्मियों में मीडियम रहेगा, मीडियम रहेगा। अच्छा, और इसका क्या एक्सपेंसेस बताया, क्या खर्चा आया इसको बनाने में? साढ़े पाँच छह लाख, यानी एक कमरा ऊपर है, एक कमरा नीचे है और लैट्रिन बाथरूम है, हाँ मतलब फाइनल है, जिन्ना विन्ना सब खिड़की विड़की सब फाइनल है, सब फाइनल है। हाँ ये चादर से ना, ये जो बस होमा लगता है ना, बसेस वगैरह में जो लगते हैं वही शीट जहाँ, हाँ। और वाकई में अंदर ठंडा भी है इसका काफी। ये रूम कितने बाई कितने का है? अच्छा 20x12 का रूम है ये। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो काम भी एकदम जल्दी हो गया ना? हाँ ये, हाँ ये किचन है क्या ये? क्या अच्छा, हाँ ये किचन हो गया है, ये किचन, अभी इस पर किचन पे काम करेंगे। और ये टॉयलेट बाथरूम, ये वॉशरूम हो गया, अभी तो बन रहा है। ये है जिप्सम, ये जो बोर्ड है अंदर से जिप्सम है, बाहर से स्टील की शीट है। और इसके बीच में फिर उन्होंने थर्मोकोल यूज किया ताकि ये ठंडा रहे।
ये है वो जिप्सम की सीट जो कि इन्होंने अंदर यूज कर रखी है। ये अभी मैं इस मकान पे खड़ा हूँ, ये चाचा जी का मकान है और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये पहली टेक्निक है शायद हमारे इस एरिया में, फर्स्ट टाइम है ना, और आप शायद देहरादून से लेके आए सबको। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सारा जो मेटेरियल मैप इसका जो डिजाइन सब मैं जादू बनवाया और वहाँ से बना के मेटेरियल फोन और आयरन मेटेरियल सारा लोहे का मेटेरियल स्टील मेटेरियल वहीं से बना के लाया। अच्छा अच्छा, माल भी वहीं से लाया, लेबर वहीं की है, लेबर थे एक शान मेहमद अच्छा है बेचारा, उसने अच्छा बनाया। कौन जगह बना, कई जगह बना रहा है वो मसूरी उसूरी साइड में, तो उसने ये मैंने प्रपोज किया उसको कि यार इतना सस्ता मकान बना रहा है कैसे बना रहे। अच्छा। उन्हें मुझे बताया ऐसा बनाओ, तो मेरा डिजाइन तैयार किया मैंने, उसको बताया ऐसा बनाना है और उसने आके विद इन 10-11 डेज में बना। 11 डेज में। हाँ जी। और क्या कॉस्ट है इसकी? इंक्लूडिंग ऑल 5 लाख, मतलब माय पेट्रोल, मेरा खाना पीना, मेरा ढुलान ढुलान सब कुछ, इंक्लूडिंग ऑल, मतलब स्टार्ट टू एंड 5 लाख। वाकई में ये टेक्निक बहुत अच्छी है। दूसरी बात, ये इस तरह से बना रखा है कि सर्दियों में गर्म रहे और गर्मियों में ठंडा रहे, क्योंकि बाहर शीट लगी हुई है, फिर थर्मोकोल है और फिर अंदर क्या अंदर है, बायसन बोर्ड है? बायसन बोर्ड लगा हुआ है इसका जो है ना, ये जो थर्मोकोल जो अंदर लगा गया है 2 इंची मोटा, इसको हीट रोकेगा और रूम टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहेगा। अच्छा। रूम टेम्परेचर में कोई डिफरेंस बहुत कम आएगा, प्लस माइनस में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कौन सा ये फायदा होता है? तो इसका ये फायदा है कि वो बाहर तो टाटा की लाइनर सीट है, फिर थर्मोकोल आ गया। अच्छा। और 2 इंची थिकनेस हाई डेंसिटी वाला, फिर बायसन बोर्ड लगा दिया, बायसन बोर्ड सीमेंट कहते हैं, ये भी टाटा के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो लगा के उसको ब्लड बोल्ट कस दिया, उसके बाद इसमें पेंट होना है, बाकी रह गया है। फ्लोर जो है इसमें वो है क्या कहते हैं, चक्कर प्लेट बोलते हैं, जो बसों में लगती है, जो बसों में लगती है, वो मैंने बताया है, वो बसों में लगती है। और नीचे दो फुट खाली कर दिया है, वो देखा मैंने, ये नीचे है, मतलब ये स्टोर भी आपका टाइप का बन सकता है, ये पानी रोकेगा, पानी हवा का वेंटिलेशन कर देगा, वेंटिलेशन के लिए बढ़िया है। तो बहुत चीज के प्रोजेक्ट है, अब और भी प्रोजेक्ट आ सकते हैं भविष्य में, वो क्या क्या आते हैं क्या नहीं आते ये आप जाने। चलो चाची, आपने बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमिन क्या बोला आप, दादी बुन मिन क्या बोल, दादी बुन ना, अब इनकी शिकायत जाया जाए कि लास्ट टाइम में जब बड़कोट का मैंने जो है ब्लॉग डाला था, उसमें कुछ मकान रह गए थे, उसमें से एक मकान ये भी है। तो आप अकेले अंदर घर में? अच्छा, आपकी मम्मी है? अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था ना। आपका दादी तू का खिंचाने चाहिए? अच्छा अच्छा, ये दादी है, इनके जो है दामाद है ये, इनकी बिटिया रानी है। आप यो गुंडे बोल अपना। मेरा नाम तेजस है। ओके तेजस, कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड में। ओके नानी हाँ बढ़िया, वो तो मुझे पता है। इसकी पहन भी अंदर। और मैं हिमालयन जोगी, मेरे को सबने जोगी जोगी नाम बिगाड़ दिया। भाई मेरा नाम सुभाष कुकरेती है। बढ़िया हो गया है, बड़कोट में तो अधिकतर लोग मेरी दादी दादी है, बस सब दादी सिंह। चूहों के लिए नीचे से ये असवाल भवन, ये लड़की है आनंद सिंह का सवाल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये किसकी बेटी? आपकी बेटी है? अच्छा अच्छा अच्छा, दादी का। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पी लेना, पानी पी लेना, ना पानी छोड़ो। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप शिकायत नहीं करें वहाँ अभी तो। आप नहीं ना सुने थे, आज छुआ यार आप तो दाम हाथ भी दिखेगी, नुहन भी दिखेगी, ना की नुहन भी दिखेगी। अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया।